कई लोग क्रिकेट देखते हैं यहाँ पे, क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, राइट? वर्ल्ड कप आप बोल रहे हो, फाइनल पे बात करने हैं, वर्ल्ड कप के ऊपर चालू कर दिया है, इसलिए बात कर रहा था कि अभी अभी मॉर्निंग में किसी और ने ओपन किया, ओपनिंग में किसको भेजा था, रोहित शर्मा को भेजा आप लोगों ने, राइट? बाद में और दो बैट्समैन प्ले किए, अभी मैं मिडल ऑर्डर में आ चुका हूँ, लगभग 1 बज रहा है घड़ी में। सो अपनी स्टोरी शेयर करूंगा फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। ये टर्म सुबह से चल रहा है, हम कितने भी काफी अच्छे से रेटरिस के बारे में बात की, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में। और ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट मैं भी वर्ज पे हूँ पाने के, कभी कभी मुझे लगता है मैंने पा लिया, फिर दूसरे दिन लगता है कि नहीं यार अभी पाया नहीं, क्योंकि हम लोग लाइफ में कंपैरिजन मोड में चलते रहते हैं। ये पिक्चर जो लिया है राजा सिकरन के बुक का कवर है, एक्चुअली बहुत सारे लोग इस रास्ते पे चलते हैं क्योंकि ड्राइविंग ऐसे ऑटो मोड में चलती है, और कुछ कुछ लोग विजिलेंट वे में ड्राइव करते रहते हैं, तो दे नो उनका डेस्टिनेशन कहाँ है। शायद यहाँ का जो क्राउड है वो राइट विजिलेंट टाइप से ड्राइव करने में बिलीव रखता है। ये वर्ड आप में से कितने लोगों ने सुना है? आजकल तो हर यूट्यूब चैनल पे जाओ, किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाओ, जो लोग फिनेंस के ऊपर बात कर रहे हैं शायद इस वर्ड के ऊपर काफी अभी इंसिस्ट करते रहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, हर बंदे की फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन बहुत अलग हो सकती है, और ये हमें समझना होगा। मैं अपनी डेफिनेशन समझाने की कोशिश करूंगा, उसमें से जितना पार्ट आपको अच्छा लगे वो रख लीजिए, जितना नहीं अच्छा लगेगा उसको छोड़ देना। मैंने भी ये फाइनेंशियल फ्रीडम वर्ड सुना, मुझे भी कंसेप्ट काफी अच्छा लगा, और ये जर्नी मैंने स्टार्ट की। ये जर्नी में बहुत सारे लोगों ने मुझे सिखाया डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में भी सुबह बात हुई थी, किसी ने पूछा भी था किस किस बुक की, तो शायद अंकित को ये सवाल पूछा गया, आरडीपीडी बुक है, अगर आप फिनेंस में हो दैट इज रिच डैड पुअर डैड, शायद सब लोग का बेस वो है। टू ऐड टू दैट, रॉबर्ट ने उसके बाद भी बुक लिखी हुई है, आरडीपीडी मुझे बुक अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट बुक है उसके बाद मैं 3-4 दिन सोया नहीं। क्यों नहीं सोया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। रॉबर्ट की डेफिनेशन मुझे सबसे अच्छी लगी। हम लोग इंडिपेंडेंट कंट्री में, कितने लोगों को पता है हम लोग 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुए? अरे हुए कि नहीं हुए? हुए, ऐसा हम लोग बोलते हैं। आज हम लोग मुंबई में रहते हैं ना, तो हम लोग इंडिपेंडेंट कंट्री के सिटीजन हैं, लेकिन जो लोग फाइनेंशियली फ्री नहीं है, जो लोग फाइनेंशियली फ्री नहीं है वो अभी भी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये समझना होगा। इसीलिए रॉबर्ट कहता है यू विल नेवर नो ट्रू फ्रीडम अंटिल यू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। ये कोट उसी बुक में से। सो आपको ये फाइनेंशियल फ्रीडम समझना होगा अपने तरीके से और उसको अचीव करना होगा, तभी आप रियल इंडिपेंडेंस का मजा ले पाएंगे। ये पिक्चर, शी इज माय फर्स्ट कोच। मैंने ग्रेजुएशन किया 1997 में, उसके बाद मैंने जॉब शुरू की जो मेरे नेटिव में नहीं था, मैं कहीं और पोस्टेड था। She was my maid. ये पिक्चर मैंने काफी एफर्ट से जुगाड़ किया हुआ है। इस पिक्चर को केयरफुली देखिए, उसके गले में एक चेन दिख रहा है, राइट? She belonged to some tribes जो मेरे घर में आती थी काम करने के लिए। तो इसी वो चेन हमेशा उसके गले में रहता था सोने। One fine day जब वो आई तो वो चेन उसके गले में नहीं था, तो वो इतना बड़ा प्रोमिनेंट है कि इमीडिएटली नजर आ जाता है कि नहीं है यार। तो मैंने पूछा उसको कि भाई काय झालं, आई एम मराठी, सो भाई काय झालं, ही चेन कुठे आहे? तो थोड़ा सा ऐसा आंखों में पानी सा था उसकी, अशी शर्ट की एक्चुअली ती सावकाराला दिली। कितने लोग मराठी फॉलो कर पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? सो मैंने वो सावकार को दिए, बोलो क्यों क्या हुआ? उसने बताया कि उसका नातू मैंने ग्रैंड सन हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसके लिए उसके पास पैसे नहीं है, डॉक्टर ने बोला कि अभी पैसे चाहिए और 3,000 रुपये की ज़रूरत है। तो मैं साहूकार के पास गई और उससे 3,000 रुपये लिए, सो उससे लोन लिया 3,000 रुपये का। मैं बोला अच्छा तूने मेरे से बात भी नहीं की। तब तो पहले मुझे ये शौक बैठा कि इसका और मेरा रिलेशनशिप खाना बनाना और मैंने खाना ही है, हम लोग इन्वॉल्व नहीं है एक दूसरे से,
उसके लाइफ में इतना बड़ा इंसिडेंस हो गया, उसने मुझे बात बताया भी नहीं जब तक मैंने पूछा नहीं। सेकंड बॉम मैंने पूछा मैं उसने लोन वैसे फ्री में दिया, शी सेड नो, कितना इंटरेस्ट है, तो 300 रुपये पर मंथ। अब कैलकुलेट कीजिए 3000 रुपये पे, अगर 300 रुपये पर मंथ देना है, ये गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट की बात मैं बता रहा हूँ ट्राइबल्स की, तो 10% पर मंथ हो गया। तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट का मैथमेटिक्स समझ में आता था, तो उसका मतलब है 10% पर मंथ, तो मैंने इतना ही कैलकुलेट किया, इसका मतलब 120% पर ईयर। बाद में मैंने जब सीएफपी किया तो मुझे इफेक्टिव इंटरेस्ट का भी कंसेप्ट पता चला, वो मैंने कैलकुलेट किया 214%। सारे लोग 2000 करोड़ लेके चले जाते हैं यहाँ से, और ट्राइब्स के बारे में सोच के देखिए। फिर मैंने सोचा ये दिस इंसिडेंस 2003 का इंसिडेंस है, मैंने भाई का सैलरी चेक किया, भाई मेरे घर काम करती थी और एक सर के घर काम करते थे, कुछ 400 रुपये मैं दिया करता था, दूसरा इंजीनियर को 400 रुपये दिया करता, तो 800 रुपये का सैलरी था भाई, तो 800 रुपये का सैलरी कमाने वाला बंदा, उसको अगर 3000 रुपये की जरूरत पड़े तो वो इस सीनारियो से गुजर सकता है, क्यों, क्योंकि उसके पास कंटिंजेंसी फंड नाम का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। सेम नंबर लेके ये सवाल मैंने अपने आप को पूछा, उस समय मेरा सैलरी कुछ 8000 रुपीज हुआ करता था, तो अगर अपने सैलरी को 5 या 6 टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, उतने फंड की अगर जरूरत पड़ी तो क्या आपके पास है, वो मुझे पता है मेरे पास भी नहीं है, भाई के पास तो चेन तो भी थी, मेरे पास तो चेन भी नहीं है। और वहां से मुझे पता चला कि ये जर्नी पे आगे निकलना पड़ेगा, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ शी वॉज माई फर्स्ट कोच मेरे लाइफ, जिसने मुझे ये सिखाया कि कंटिजेंसी फंड होना जरूरी है। बाद में मैंने 3000 रुपये दिया, भाई को बोला कि अभी वो तेरा जो 400 रुपये का सैलरी है वो अगली बार से 200-200 रुपये ही मिलेगा, क्योंकि पैसा इतना मेरे पास भी नहीं था। फाइनली वी गॉट दैट चेन बैक वेरी नेक्स्ट डे। लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, आई एम जितेंद्र रघुनाथ फूले, माय फुल नेम, ये मेरे कॉलेज का फोटो है, एनआईटी के सूरत से आई हैव डन माय इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 1997, दो साल में मुंबई में काम किया, दैट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई विजिटेड टू मुंबई, काफी बारिश थी एक्चुअली 6th of July, एंड उसके बाद देन आई जॉइन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज माय ऑर्गेनाइजेशन, आई वर्क विद महावितरण नाउ एज अ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। अगेन मुंबई में मैं वापस आया 2011 में, यहाँ पे काफी अपॉर्चुनिटीज दिखी मुंबई में, बाहर इतना कुछ है नहीं, यू आर वेरी लकी, जो लोग यहाँ मुंबई से होंगे दे आर वेरी लकी, बहुत कुछ हैपनिंग है यार यहाँ पे, बाहर नहीं है सर, इसको एक्सप्लोर कीजिए, इतना एजुकेशन का यहाँ पे पैसे देके आप बहुत कुछ सीख सकते हो, बाहर तो आपके पैसे देके भी आप नहीं सीख पाते हो सारी चीज़ें। बाद में जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि मैं हूँ तो इंजीनियर लेकिन वो डिफॉल्ट मोड का इंजीनियर, क्योंकि 12th में परसेंटेज आ गए तो मुझे बताया गया था कि दो ही चीज़ें की जाती है अगर आप इंटेलिजेंट, एक तो आप डॉक्टर बनिए या आप इंजीनियर बन, तो मेरा मैथ्स अच्छा था, मुझे बताया गया कि भाई आप इंजीनियर बन जाओ, मैं इंजीनियर बन गया, फॉर्चुनेटली काफ़ी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से भी इंजीनियर बना। फिर यहाँ नहीं हुआ, पता चला कि यार ऑफिस 5-6 बजे छूट जाता है, इतना काम भी नहीं है, बीवी भी अपने से ऑलरेडी बोर हो चुकी है, कुछ तो करना चाहिए ना फिनेंस में भी, सो आई जॉइन ICWA। फॉर्चुनेटली मैं 2016 में अपना ICWA भी कम्प्लीट किया, लेकिन हंगर रुक नहीं रही थी, बाद में पता लगा कि और कुछ करना चाहिए जो अपने मिशन से रिसेंबल करे। देन आई जॉइन 83rd बैच, क्यों सर के जॉइनिंग का तो एक अलग ही किस्सा है, बाद में कभी शेयर करूँगा। सो क्यों सर के साथ मेरे 2019 में मार्च 25th मार्च आई कंप्लीटेड माय CFP, सर के लैंग्वेज में बोलते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट टू 50%। सो ये मेरे लाइफ में जितने लोगों ने मुझे टीच किया है उनमें एक एक कोच है, जैसे मैं फर्स्ट कोच माय फादर, आज मैं जो खड़ा हूँ यहाँ पे जिस चीज़ से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक वैल्यूज है, वो वैल्यूज अगर किसी ने इनकलकेट किए तो मेरे फादर ने किए। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा उनके बारे में, मैं 12th स्टैंडर्ड में था, हमारे फिजिक्स का ट्यूशन लेते थे मैं कैलकुलेट करता था कि हमारे क्लास में स्टूडेंट कितने हैं,
सर एक पेपर का पैसा कितना लेते हैं, मुझे लगता था यार ये बंदा इंजीनियर भी नहीं है, ये तो सिर्फ फिजिक्स पढ़ा रहा है, इसकी अर्निंग कितनी ज्यादा है, मैं क्यों इंजीनियरिंग के लिए ट्राई कर रहा हूँ, मैंने भी ऐसे फिजिक्स का ट्यूशन खोलना चाहिए। फिर मेरे किसी फ्रेंड ने बताया कि नहीं नहीं हम लोग ये, तब मेरी उम्र 18 साल की थी, 17-18 साल। मेरे एक फ्रेंड ने बताया अभी इंजीनियरिंग में भी कोई पॉइंट नहीं रहता, मेरे घर के बाजू में एक इनकम टैक्स ऑफिसर रहता है, उसके पास देख कितनी अच्छी कार है, तो ये लोग यार अच्छा पैसा कमाते हैं। तो आई शेयर्ड विद माय फादर कि इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए मुझे इंजीनियर डॉक्टर का समझ में आया, इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बनते हैं। तो ही सेड व्हाई, ये अचानक इनकम टैक्स एकदम स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, तो बोले ये लोग बहुत रिच होते हैं। तो सेड कैसे रिच होते हैं, बोला उनके पास काफी पैसा दिखता है, वो लोग किसी के ऊपर रेड करते होंगे, आधा पैसा खुद लेते होंगे। तो सेड अच्छा ये तेरे दिमाग का आइडिया है पैसे कमाने। ही शेयर्ड द फर्स्ट वैल्यू विद मी एज अ फादर, मैं तो चाहता ही हूँ कि तू दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी बने, लेकिन लाइफ में एक बात ध्यान रखना, तू पैसा कितना कमाता है ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तू पैसा कैसे कमाता है ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। रॉबर्ट की बात की थी, तो अगर रॉबर्ट की बुक को आप पढ़ोगे तो रॉबर्ट अपने बुक में अपनी टीम के बारे में बात करता है, इज अ ब्लेयर सिंगर। उन्होंने मुझे पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बताया, जिसका नमूना मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इज अ ब्लेयर सिंगर। आपने और एक बुक पढ़ी होगी, क्या बुक का भी जिक्र हुआ, जैक कैनफील्ड का, मैंने उनसे भी ट्रेनिंग ली हुई है। इज अ निकोलिक, जिंदगी में अपने गोल कैसे सेट करते हैं और उनको कैसे पाते हैं, इज माई कोच। अगेन मैकेट्रैम इज माई कोच। क्यों मैं अपने कोचेस के बारे में इतनी बात कर रहा हूँ जब मुझे टॉपिक दिया गया फाइनेंशियल प्लानर, मैं नीव की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, आप एक लेवल पे खड़े हो, जैसे ये प्रोजेक्टर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये प्रोजेक्टर यहाँ पे है नहीं, ये प्रोजेक्टर यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये यहाँ पे, अगर आप इसको हटा दो ये प्रोजेक्टर धड़ से नीचे गिर जाए। ये जो नीचे का पहिया है ये आपके कोच का है, इसलिए काफी विजिलेंट होना चाहिए आपने अपने कोच को चुनते हो, और ये कोच जितना मजबूत होगा ये प्रोजेक्टर उतनी देर तक ऊपर टका रहेगा। ये मेरे कोचेस केयूर सर के बारे में मैं बताऊंगा नहीं, आप सबको पता है, जिन्होंने मैं बार बार बोलता हूँ कि जिन्होंने मुझे चेंज नहीं किया, जिन्होंने मुझे ट्रांसफॉर्म किया। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेंज एंड ट्रांसफॉर्म। जब हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं आपको आता नहीं है साइकिल चलाना, राइट, आप बार बार गिरते हो, लेकिन एक बार अचानक से बैलेंस आ जाता फिर आप साइकिल से गिरते नहीं, फिर आप चाह के भी नहीं गिर पाओगे। अगर आपको साइकिल चलाना आता, मैं आपको साइकिल दे दूं, मैं बोलूं कि गिर के दिखा, यू विल नॉट, राइट, बिकॉज़ यू डोंट लूज योर बैलेंस। सो ड्यूरिंग माय दिस जर्नी मैं मुंबई में था, ये पेपर काफी लोग पढ़ते होंगे, मंडे को आता है वेल्थ का। बीइंग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मुझे फाइनेंस में कुछ ज्यादा कुछ पता नहीं था, तो मैंने अपनी स्टोरी भी शेयर की थी, तो मुझे अच्छा लगा कि वहाँ फिनकार्ट की जो एक्सपर्ट टीम थी, ये मैं पिक्चर इसलिए दिखा रहा हूँ, आप पढ़ नहीं पा रहे, आप पढ़ो ऐसा मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, ये जो पिक्चर है यहाँ पे ये मेरा असेट एलोकेशन है एग्जिस्टिंग, और ये उन्होंने जो करके दिया था, मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि मैं सीएफपी नहीं हूँ, लेकिन मेरा असेट एलोकेशन और उन्होंने एक्सपर्ट लोगों ने असेट एलोकेशन मुझे बताया है वो काफ़ी मैच कर रहा है। शी इज माय लवली डॉटर, उसमें मेरा सन नहीं है क्योंकि तो वो था नहीं 2016 में सीधा। सो फाइनेंशियल प्लानिंग के काफी एस्पेक्ट्स के बारे में सबने बात की, कंटिंजेंसी फंड होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड प्लानिंग, शॉर्ट टर्म लग्जरी होम, ये भी गोल रखी है। अंकित मीन ने शायद बात की थी उसके बारे में, बिकम फ्री फ्रॉम मनी, पैसिव इनकम की, और विल होना चाहिए जो हमने सर से भी सीखा। ये बोल्ड इसलिए है क्योंकि शायद इस टॉपिक पे मैं आज बात करने वाला हूँ रिगार्डिंग डेट प्लान। Are you ready? Yes. बहुत बार ना पिक्चर बहुत कुछ बोल जाता है, हम लोग की हालत कुछ ऐसी, पानी तो भर रहे हैं लेकिन जिस बकेट में हम लोग पानी भर रहे हैं हमारा ध्यान नहीं होता कि उस बकेट को काफी छेद है। डेट प्लानिंग का कंसेप्ट कुछ ऐसा है, ये फोटो कितने लोगों ने देखी हुई, काफी लोगों ने देखी है ना। सो अल्बर्ट आइंस्टाइन सेज कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, मैंने जब तक गूगल नहीं किया मुझे इतना ही मालूम था,
लेकिन अल्बर्ट ने उसके आगे की भी लाइन बोली। अल्बर्ट ये बोलता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वो उसके लिए काम करता है जो उसमें इन्वेस्ट करता है, और जो इन्वेस्ट नहीं करता, जो लोग लोन लेते हैं, ये सेम फार्मूला उसके अगेंस्ट काम करता है, राइट? दिस माय फ्रेंड प्रहलाद, एवरीवन ऑन द काउंट ऑफ 1 2 3 से हाय प्रहलाद। देयर इज नाउ लुक एट बैक, से हाय प्रहलाद। हाय प्रहलाद। सो प्रहलाद इज माय फ्रेंड, इज 47 ईयर ओल्ड, ही इज अ बी, ही इज अ एमबीए इन फाइनेंस, ही हैज डन आईसीडब्ल्यू इंटर, गुड क्वालिफिकेशन, यस यस। He's working with me, he's executive engineer in MSEDCL, state government wale job. Koi tension nahi kar, apne ko koi nikal lega agar. Gross salary 1.2 lakhs. Okay? Plus, interesting thing, Bandra jaise jagah mein humko ghar diya hua hai. Hai na? Accommodation, uska rent humse 125 rupaye maanga jata. Great? Take, usme se taxes kat jate hai, kuch provident fund ke liye paisa liya jata hai. Take home 80,000. Nice position to be, yes. Right? अच्छा घर, उसमें कुछ repairing का भी होता है, वो भी अपने को खर्चा नहीं करना पड़ता। Office में बोल दिया तो repair करने वाला आ जाता है। 80,000 rupees take home salary है, office का tension नहीं। Then Prahlad took one more decision. Which decision? He bought a flat at Pulwe. ये एक नाम सुने? Pulwe किसी ने? Upcoming. The actual picture, Shankeshwar, right? Shankeshwar Plaza में Prahlad I bought one BHK home. उसके बाद after buying home क्या हुआ? Loan लेना पड़ा ना, क्योंकि कितना बड़ा घर लोगे तो उसके लिए loan लेना पड़ता है, plus down payment भी करनी पड़ती है, तो society से लिया पैसा, तो लगभग 45 lakh debt शुरू हुआ, फिर उसका interesting part भी शुरू होता है, that is called EMI, right? 50,000. So पहले salary कितना था? मैंने बोला 80,000 rupees take home, right? तो उसमें से अभी कितना देना पड़ रहा है? 50,000. अब उसका घर में आना कितना शुरू हुआ? 30,000, राइट? प्रहलाद ऐसे दिखने लग गया जब भी मिलते हैं, राइट? देन मैं केयूर सर की तरफ था, आई यूज्ड टू शेयर केयूर सर की तरफ, जितने लोगों ने सीएफटी किया है उन्होंने आपको बताया होगा कि आप प्रैक्टिस करो, तो पूरी जर्नी में सबसे पहले डेट प्लानिंग पे आ जाते हैं, डेट रिकंस्ट्रक्शन पे। तो हमने भी डेट रिस्ट्रक्चरिंग सर की तरफ से सीखी, आई शेयर दैट कंसेप्ट विद प्रहलाद। आफ्टर डेट रिकंस्ट्रक्शन क्या हुआ? न्यू एम आई 50,000 से सीधा 28,000 रुपया, इंक्रीज इन कैश फ्लो 22,000, एंड नाउ दिस इज एंड उस समय से इज बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर दिस चाइल्ड एजुकेशन। और अभी प्रहलाद बोल रहे हैं कि अब इस फ्लैट की सालों की जरूरत भी नहीं है। सही बात है ना? अरे जब कंपनी ने टिप्स 58 तक बांद्रा में रहने का जुगाड़ करके दिया हुआ है, तो वो तो कोई गधा ही होगा जो उल्वे में जाके रहे हैं, है ना? वो भी 125 रुपए में, राइट? वो देखकर प्रहलाद ऐसा दिखने लगा। हाँ अच्छा सर, प्रहलाद यू वांट टू शेयर समथिंग? प्लीज कम प्लीज देंगे ना, ग्रेट प्रिविलेज फॉर अस जो भी आप। हेलो फ्रेंड्स, हेलो। मैं एमसीबी में जॉब को और अच्छा सैलरी है तो सब घर वाले पीछे लगे कि एक घर होना चाहिए, छोटा या बड़ा हो मगर अपना खुद का घर होना चाहिए, क्योंकि पैसा खर्चा होता है, जैसा आता है वैसा खर्चा होता है, तो आपने एक घर लेना चाहिए। बीवी पीछे लगी, माँ बाप पीछे लगते हैं, घर लो लो लो, फिर मैंने घर बुक किया। उसके बाद EMI शुरू होने के बाद फिर यहाँ तक आने लगा कि 30,000 में घर कैसे मैनेज करें। तो फुले सर ने एक कोर्स शुरू किया था और फर्स्ट केस मैंने भी अप्लाई करना शुरू किया, डेट प्लानिंग किया, और फिर 70% सैलरी का कैश फ्लो बढ़ गया मेरा, तो मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग करने को अच्छा मिला। और फुले सर हर एक को एमएससीबी में बोलते रहते कि आप अपने खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग करो, इंजीनियर्स जनरली फाइनेंस के बारे में सोचते नहीं है, क्योंकि इंजीनियर को एक ये रहता कि मैं टेक्निकली स्ट्रांग हूँ, फाइनेंस का देखने का मुझे ज़रूरत नहीं है, सैलरी बढ़ाने के पीछे रहते हैं हम लोग, फाइनेंस का जितना सोचते नहीं है। मगर पुलिस सर हर एक को
बुरा बोला कि बेटा कि बोलते कि आपने फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी है और उसका एक मुझे बहुत फायदा हुआ और आप सबको भी फायदा होगा। मैं तो साथ में रहता हूँ। Okay, thanks Rula for coming. One more interesting case. He's my friend. He's a chartered accountant. यहाँ पे और कोई chartered accountant है? Great. Now, he's MCOM gold medalist. He has done all three shift category. He's a chartered accountant. He's a company secretary. He's ICWA. और during my ICWA he was my coach. उन्होंने मुझे बताया क्योंकि मैं तो नॉन फाइनेंस का आदमी हूँ। मुझे आज भी कंफ्यूजन होता है यार ये डबल एंट्री क्यों होती है, लोग काम कम करने के चक्कर में लोग काम बढ़ाते क्यों है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में गवर्नमेंट में तो राइट नाउ इज द चीफ जनरल मैनेजर ऑफ MSEDCL एज वेल एज सिस्टर कंसर्न MSETCL। अगेन मेरे साथ ही कंपनी अकोमोडेशन दिया है 1100 स्क्वायर फीट का फ्लैट एट सांता क्रूज, कार बाय कंपनी, 1.4 लाइक क्रॉस सैलरी। अच्छी सिचुएशन है कि नहीं? ग्रेट, ग्रेट सिचुएशन है ना। उम्र 44, राइट, डायरेक्ट मैन, इसलिए वो मुझे भी सिंगम जैसी रखते हैं। देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनका नॉलेज इतना ऑसम है कि ही हैज अथॉरिटी। कंपनी के जो हमारे अकाउंट्स पब्लिक डोमेन में भी होंगे आप चेक कर सकते हैं, 60,000 करोड़ का बैलेंस शीट है जो सर साइन करते हैं। ग्रेट सिचुएशन टू बी इनडायरेक्टली CFO ऑफ दी कंपनी। CFD साइन करने से पहले उनके साइन के बगैर CFD स्टेटमेंट भी नहीं देते, राइट? आर यू अवेक? यस। सो ग्रेट सिचुएशन टू बी अगेन, एक टू बी चाहिए था कल्याण गोदरेज हिल्स का होटल, कुछ कल्याण वेस्ट में गौरी पड़ाव के साइड कुछ एरिया है ना। ये फोटो भी मैंने उनसे ली हुई। सी व्हाट प्लान, बैक एंड की स्टोरी वही है कि अपनी भी इच्छा होती है कि मेरा भी मुंबई में एक घर हो, है ना, ये तेरा घर ये मेरा घर, तो उनसे फिर से गाते रहते ना। आफ्टर बाइंग द होम, होम लोन फिर से 45 लाख रुपीज का, सोसाइटी का लोन फिर से 15 लाख रुपए का, EMI 60,000 पे पहुंच गया। टेक होम पहले कितना था? 1.4 मैंने बोला था जो ग्रॉस है, टेक होम 1 लाख रुपीज था, तो उसमें से आप 60,000 रुपये हटा दीजिए तो 40,000 रुपये EMI, 40,000 रुपये टेक होम शुरू हो। आप इमेजिन कीजिए आप मुंबई के वेस्ट लाइन में बांद्रा सांता क्रूज जैसे एरिया में रहते हो, 1 लाख रुपये का आपका लाइफ स्टाइल कल तक होता है और इमीडिएटली कोई दूसरे दिन आपको बोले कि आप लाइफ स्टाइल आपका 40,000 रुपये में मेंटेन करो, इज़न्ट इट अ शॉकिंग फॉर यू? ऐसे कुछ बोझ में सर दब गए और उसके बाद कुछ ऐसे दिखते थे। नहीं वो हॉस्पिटल में लिया है। और उसी दिन उनकी डॉटर एडमिट थी और मैं रात में उनके साथ था, तो हम क्योंकि आदमी दो जगह बहुत कूल रहता है अगर आप अपना मोबाइल घर पे छोड़ के आओ, अगर आपका कोई एडमिट है वहाँ पे तो बहुत शांति से सोचने को मिलता है करके, यानी किसी आपके कोई रिलेटिव फ्रेंड्स पे कोई एडमिट होंगे तो जाके शांति से बैठ के देख जिंदगी की सच्चाई भी बहुत वहाँ पर चल जाती। देन वही डेट रिस्ट्रक्चरिंग हम लोगों ने किया। आपका डेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या हुआ? न्यू EMI कितना है? 0। सर आप देख पा रहे हैं 0 है? कैसे 0? भेज दिया उनको, पता चला। मैंने सर उनको बोला सर आप MSC भी छोड़ने वाले हो गए, खुद का प्रैक्टिस वैक्टिस चालू करने का कोई मूड है? बोले नहीं। उम्र अभी कितनी है? 44। अगर आप घर रख भी लेंगे और उस घर में जाएंगे भी तो कितने साल के बाद जाएंगे? 16 साल के बाद। वो कल्याण का फ्लैट बहुत पुराना हो चुका होगा यार, और आप तो हमको कैश फ्लो सिखाते हैं AS3 है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, तो उसमें ये कहा कि इंटेलिजेंस से यू मस्ट बी अ जीनियस ना। आपने लोन अरेंज किया अपने क्रेडिट पे, आप बैंक को 60,000 रुपए पहुंचाते हो, वो साला किराएदार आपको 8,000 रुपए पहुंचाता है, प्रॉपर्टी वो एंजॉय करता है,
और प्रेशर में कौन हो आप? ये कौन सा नया फंडा है फिनेंस का? सर गॉड, सर गॉड। और रही बात दूसरी, इनिशियली व्हेन आई वाज इन मुंबई तो कोई भी घर के बारे में पूछता करता, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो स्टेशन से कितना दूर है, है ना, स्टेशन से कितना पास है, तो उसके ऊपर प्राइसिंग डिसाइड होती थी। अब मेरे ख्याल से कंसेप्ट बदल चुका है, पहले फर्स्ट फ्लोर पे है क्या चढ़ना पड़ेगा, अभी ऊपर के फ्लोर के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो जैसे जैसे जनरेशन जाता है वैसे वैसे लोगों का टेस्ट चेंज होते जाता है। अभी भी कभी किसी को स्टेशन के बाजू में नहीं चाहिए रहता, अब लोगों को एक बहुत बड़ी कॉलोनी लगती है जिसको शायद टाउनशिप कहते हैं, बहुत बड़ा। अभी छोट शायद अभी आपका पुराना कोई बिल्डिंग होगा जो स्टेशन के बाजू में भी होगा ना तो बिकेगा भी, और 15 साल पुराना हो चुका घर आप रहने जाओगे वहां पर, सर को पता चल गया यार ये सही है। और ऊपर से पैसे की जरूरत सर आज है, आपके बच्चों के सपने, बच्चे छोटे छोटे हैं उनके सपने आज आप पूरे कर सकते, कल तो शायद आपके बच्चे आपको पूछे कि पापा आपको पैसे चाहिए क्या, राइट। और ये जैसे मैंने बताया था वैसा प्रेशर लेके जीने में क्या पॉइंट है, Now it look like this. So यहाँ पे का प्रैक्टिसनर भी है, जैसे मैंने बोला कि अगर मैं बात करूंगा ना माय कोच से, प्लेयर से की जब भी बात करेगा ना, डिलीवर अ वैल्यू, इफ यू आर नॉट एबल टू डिलीवर अ वैल्यू डोंट टॉक, राइट। सो गैरेट प्रिंसिपल के बारे में बात करूंगा, किसी ने सुना है गैरेट प्रिंसिपल? Anyone? No. Okay. So practitioner, non-practitioner के लिए quiz. एक बच के quiz. Okay. किसी बंदे ने loan लिया हुआ. A और B banks. ठीक? Am I audible? Yes. A और B banks. Outstanding loan है 25 लाख रुपए. आपने उससे दूसरा सवाल पूछा कि भाई rate of interest कितना है? उसने बताया A bank से लिया हुआ है तो 8% के ऊपर loan चल रहा है. B से जो लिया हुआ है वो 9.5% पे चल रहा है। अचानक उसके पास 25 लाख रुपीस आ गए, राइट? एंड ही वांट टू स्क्वेयर द लोन। माय क्वेश्चन इज व्हिच लोन यू विल पे फर्स्ट, बी हायर द इंटरेस्ट? कितने लोग बोलते बी, कितने लोग बोलते ए, और कितने लोग कुछ भी नहीं बोले, बोल रहे मेरे पास ना 25 लाख है ना मेरे पास लोन। क्या बेस रेट क्या है उसका इंटरेस्ट का, ये मैं बताया कि आउटस्टैंडिंग लोन फिक्स्ड है या फ्लोटिंग, तो लेट अस से फिक्स्ड नहीं सॉरी बी is 7 day 1 day se 20 right, so the most important question is uska tenure, pehle loan mein tenure 8 saal ka hai dusre mein 25 saal ka, to pehle mein emi jana hai 35,000, second mein jana hai emi 21, so agar mere paas 25 lakh hai definitely you have har ek ka apna perspective ho sakta hai, situation to situation bahut sara situation alag bhi ho sakta hai, right? So this is a guiding principle, what he says ki in this situation you should close loan A first. Why? क्योंकि उसकी वजह से आपका जो cash flow है वो 35,000 से बढ़ेगा। अगर आपने loan B close किया तो आपका cash flow 21,000 से बढ़ेगा। तो अगर मैं neck to neck basis पर compare करूँ तो ये एक option, अगर मैं option A चुनता हूँ तो मेरा increase in cash flow कितना हो जाएगा? 30. Whereas most of the time people सिर्फ वो rate of interest पे अटक के रहते हैं। Hope I deliver some value. Is it? Yes. So why certified financial planner? बहुत सारे CFPs बैठे हैं यहाँ पे, जो लोग मुझे नीचे देख भी रहे होंगे। Time. हम लोग अब अपने profession में, मैं engineer हूँ। तो अगर मैं अपनी profession की बात करूँ, तो I'm getting paid for doing my work, right? पैसे की जरूरत है, पैसे के matters में रहना चाहिए। तो अपने पास जिन चीज़ों के लिए जो टाइम देना चाहिए वो टाइम होता नहीं, तो इसीलिए सर आपके पास सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपको अपना फाइनेंस समझने के लिए उसको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए टाइम होता नहीं, लेकिन आपको लगता है कि आपके पास एम्पल टाइम है, राइट। सेकेंड थिंग, अगर किसी पास टाइम हो भी तो क्या आपके पास उतना एक्सपर्टाइज है
आप असेट्स को समझते हो या असेट को प्रॉपरली एलोकेट कर सकते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट आंसर इज नो, लेकिन लोग मानते नहीं हैं बिकॉज आई एम द बेस्ट, ऐसे सब लोगों का कंसेप्ट होता है ना कि भाई मेरे पैसे का केयर मैं ले लूँगा। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, आजकल तो कोई ये मानेगा ही नहीं क्योंकि हर एक के हाथ में एंड्रॉयड फोन है, उसमें गूगल है, कोई बाजू वाले से कुछ कुछ यानी बीबी कहाँ गई होगी वो चेक करके देखते लोग गूगल में देख लो क्या करते हैं, राइट? सो लैक ऑफ, सो दैट इज डेटा, व्हाट गूगल प्रोवाइड्स इज अ डेटा, यू नीड टू बी अ इंटरप्रेटर, जो डेटा को इंटरप्रेट कर सके, देन डेटा कन्वर्ट्स इनटू इंफॉर्मेशन, राइट? ये भी चीज है, सारे एसेट फाइनेंशियल मार्केट पूरा डायनामिक है। एक जमाना था जब मैं मुंबई में पहली बार आया था तो मेरे क्लर्क ने बोला था पीपीएफ का अकाउंट खोल लो, तो मुझे याद है उसने मुझे एक एग्जांपल बताया था कि सर आप 10,000 साल का डालोगे ना, 15 साल का अकाउंट है, और उसने मुझे बताया था कुछ 4 लाख समथिंग जमा हो जाएंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% हुआ करता 1997। बाद में वो नीचे की तरफ आए, हर इंस्ट्रूमेंट डायनामिक, पहले 14% तक इंटरेस्ट रेट बैंक्स में मिला करते थे, आज सिंगल डिजिट पे आ गया, लग रहा है निगेटिव की जगह मैडम। ओके, सो ये उसको मैं वोलेटिलिटी बोल रहा हूँ, कितनी वोलेटिलिटी है, तो एक नॉर्मल आदमी इस वोलेटिलिटी को ना समझ सकता है ना हैंडल कर सकता है, उसके लिए आपके पास एक अच्छा सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर होने की जरूरत है। ये मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊं, जैसे इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का स्टेटमेंट, ये कोट काफी पावरफुल है, he says an investment in knowledge is the best interest, many times people ask कि इसमें पैसा डालूं उसमें पैसा डालूं, आपको अगर सही में पैसा कहीं डालना है तो आपने यहाँ पे डालना चाहिए। टू टॉक अबाउट मी, मेरा भी अपना एक बजट होता है जैसे मैं सर के साथ शेयर करता हूँ, पैसा आप कमाओगे तो आप स्पेंड करोगे, आपको करना पड़ेगा, बट पीपल बिलीव इन स्पेंडिंग द मनी बिलो द नेक, आई बिलीव इन स्पेंडिंग द मनी अबोव द नेक। आपने आपकी जो भी सिचुएशन आज है उसके लिए आपके पूरे बॉडी में अगर कोई सबसे रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन है तो आपका ब्रेन, अनफॉर्चुनेटली आप बाकी सारे ऑर्गन पे काफी पैसा खर्चा कर लेते हो, उस ऑर्गन को केयर नहीं करते, टेक केयर ऑफ। सो ये मैं मेरा जब करियर जब शुरू हुआ था, तो स्टार्टेड करियर मैंने पास हुआ, फिर स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी मिली, वहां पे पहले दिन लिख के देना पड़ता है कि जहां भी पोस्टिंग होगी जाना पड़ेगा, तो महाराष्ट्र में तो मुझे पहली पोस्टिंग दी गई एकदम नक्सलाइट बेल्ट में, आई वर्क देयर फॉर 10 इयर्स, मेरी शादी भी नहीं हो रही थी उस चक्कर में मैं लड़की नहीं देता था, मैं तो मुंबई में भी लड़की देखने आया था, तो वहाँ पे मैं लड़की घर गया था, तो उन्होंने पूछा आप कहाँ कहाँ कर, मैंने बोला गढ़चिरोली, वो बोले ये कहाँ पे है, बोला मैं महाराष्ट्र में लड़की देख रहा हूँ, महाराष्ट्र के बाहर देख रहा हूँ, सो तो चांस ही कट हो गया था, एक्चुअली कौन जाएगा यार उधर, यहाँ पे लोग सेंट्रल लाइन से वेस्टर्न लाइन नहीं शिफ्ट होते, तो वहाँ पे मैंने काम किया, वहाँ पे मैंने लोगों के फिनांस को सीखा, तो इसलिए मैं बोला कि वहाँ के लोग भी मेरे कोच, लोग नहीं रहते, वो इंडियंस नहीं है, तेरी शादी भी नहीं हुई है, तेरे को बच्चे भी नहीं है, आज तेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो अपने फेलो सिटीजंस की कोई सेवा करने के लिए तेरा मूड नहीं है अभी, तो कब करने वाला ये? और उसके बाद ये बात है 1998 2000 की, क्योंकि 99 में मैंने ज्वाइन किया था, मुझे लग रहा था कि साल भर में ट्रांसफर होनी चाहिए, उसके बाद आज 2019 है, मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी रिक्वेस्ट ट्रांसफर का फॉर्म नहीं भरा, आई एम रेडी टू वर्क, क्योंकि मेरे फादर ने बोला था कि ये कंपनी तेरे घर नहीं आई, स्टेट गवर्नमेंट तेरे घर आई थी कुछ नहीं के लिए, मुझे जॉब चाहिए था, तूने अप्लाई किया, तूने क्लियर किया, आज अपने ही देश के नागरिकों की सेवा करने के लिए तो इतना प्रॉब्लम होता है, व्हाई यू जॉइन यार? सो वैल्यूज उसकी मैं बात कर, उसके बाद जहां जहां कंपनी ने मुझे भेजा, मुझे पता, मुझे लगा है हाँ उस पोस्ट के लिए मैं फिट होगा, इसलिए तो मुझे भेज रहे हैं। सो ये ऐसे कुछ थोड़ा बहुत मुझे फिनांस का नॉलेज है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लोग पे करके भी आते हैं, आपको भी गड़चिरोली भी चाहिए, मैं अभी बाद में अंकित से बात करूंगा कि स्टॉक ऑफ सरकार डेटा, वहाँ पे सर किसी को कुछ मालूम भी नहीं, लोग आप यहाँ मुंबई के आउटस्कर्ट्स में भी जाके देखिए, आपकी बहुत ज़रूरत है, आपने वो भी करना चाहिए, पैसा कमाइए पैसा देंगे लोग, लेकिन लोगों को राइट गाइडेंस भी नहीं मिलती,
टाइप पे आप ट्राइब में जाके देखिए लोगों को सिर्फ दो इंस्ट्रूमेंट मान लो तो खेती खरीदो नहीं तो सोना खरीदो तीसरी कोई चीज होती है पता भी नहीं और फिर लोग लूट लिए जाते उनको नॉलेज नहीं है इसलिए लेकिन जितने वो रिस्पॉन्सिबल है उतने रिस्पॉन्सिबल आप भी हो आपकी वजह से लोग लूटे जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है सो मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम से बात शुरू की थी उसी वर्ड पे मैं अपनी बात क्लोज करने की कोशिश करूंगा तो इनिशियली मुझे लगता था जैसे मैंने बताया इनकम टैक्स ऑफिसर की बात तो मुझे उस समय लगता था कि ज्यादा पैसा कमा लिया जाए तो आदमी रिच होता है जैसे जैसे उम्र बढ़ी नॉलेज बढ़ा अब मुझे पता चला कि रिच होने के डेफिनेशन में सबसे पहले आपको हेल्दी होना हो तो आप हेल्दी रहिए आपका टाइम भी होना बहुत जरूरी है तो आप हेल्दी भी हो पैसे वाले भी हो लेकिन आपके पास अगर आज टाइम नहीं है तो फिर कुछ समय के बाद लोगों के पास भी आपके रिलेटिव के पास भी आपके बच्चों के पास भी आपके लिए टाइम नहीं होगा गॉट इट आर यू स्लीपिंग नहीं यस थर्ड कंपोनेंट जिसके बारे में बात चली गई पैसा नहीं होना चाहिए और सिर्फ स्टडी पैसा नहीं होना चाहिए पिक्चर को जरा केयरफुल देखिए पैसा ग्रो होते दिख रहा है ग्रो होते और मेंटल पीस भी है विचार क्वाड्रेंट आपके चारों क्वाड्रेंट में ऑप्टिमम होना बहुत जरूरी है कोई भी एक क्वाड्रेंट दूसरे क्वाड्रेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं और ये सारे चारों फैक्टर्स है एक दूसरे के इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ जुड़े हुए हैं कोई भी एक चीज जीरो हो गई यू आर गॉन जीरो व्हाट वी ऑफर सो हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर करके देते हैं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ये भी करते हैं और मेरी जो स्ट्रेंथ है दैट इज माय टीम ये मिस्टर केयूर शाह जो हमारे पैनल पे हैं ये दूसरे इज माय कोच ये ठाणे डिस्ट्रिक्ट में 12 मेजर थे ही वाज ही टॉप एक्चुअली ही इज द वन हु टॉट मी टैक्स ट्वाइस डायरेक्ट टैक्स इंटर में भी है डायरेक्ट बाद में फाइनल में भी है तो ही इज माय फ्रेंड ही इज माय कोच जबकि उम्र में मेरे से 10 साल छोटे हो इज माय कोच जब भी मुझे टैक्स के बारे में कोई भी क्वेरी रही तो सर अभी भी मुझे पढ़ाते हैं साथ पढ़ के ये रहा सो फाइनल वर्ड्स जाते जाते अगेन ब्लेयर को याद करके मैं कुछ बोल ही जाऊंगा सो ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल्स किसी भी फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्ट इन योर कंटिन्यूअस लर्निंग एंड हेल्थ ये दो कंपोनेंट में हमेशा इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए इफ यू थिंक this is a cost then avoidance will be costlier for you please remember this earning money is important no doubt about it but the way used to earn money is more important remember focus on your lifestyle changes thank you Jitendra Fule signing sir एक्सपर्ट है आज प्रहलाद के डॉटर का रिजल्ट है उसके बावजूद ही के
That's what the commitment we did. Thank you very much. So we'll continue our last presentation pre-lunch and then we'll take a after dinner.